हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ अपने न्यू व्लॉग के साथ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ मैं मौजूद हूँ हॉस्पिटल में फॉर द वैक्सीनेशन। परीशे की वैक्सीनेशन है और यह व्लॉग मैंने थोड़े टाइम पहले रिकॉर्ड किया था, बट आई डिडेंट गेट टाइम टू अपलोड इट। तो इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगी परीशे की वैक्सीनेशन के लिए हम गए हैं हॉस्पिटल, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि बाथिंग इसेंशल्स या बेबी इसेंशल्स का पार्ट वन। तो ये व्लॉग थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो स्टे ट्यून। यहाँ पे लग रही है परीशे को वैक्सीनेशन। ओ माय गॉड, परीशे इतना बुरा रोती है ना जब इंजेक्शन लगता है, तो उस बिल्कुल दिल मेरा हाथ में आ जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब इसे इंजेक्शन लगता है। तो खैर, यहाँ पे शी वॉज सो डाउन और बिलाल बस इसे बाहर लेके जा रहे हैं। अब मैं घर जाऊँगी, घर जाके मुझे कुछ काम करने हैं। यहाँ मैं घर पे आ गई हूँ, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि परीशे की जो कबर्ड है वो बिल्कुल उसका हशर नशर हो चुका है। तो मैं चीज़ें वगैरह निकाल रही हूँ, सॉर्ट आउट कर रही हूँ और वापस मुझे रखना है, क्योंकि हमेशा ही ऐसा होता है कि मैं हर दफ़ा चीज़ें निकालती हूँ फिर रखती हूँ और पता नहीं क्या होता है, कबर्ड फिर ख़राब हो जाती है। तो एक कबर्ड, एक क्लोज़ेट होना बेबी के लिए बहुत ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि उसमें ड्रॉयर्स होती हैं, उसमें सेक्शंस होते हैं, तो आराम से बच्चे की चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज करके हम लोग जो है ना वो रख सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपका बेबी है तो आप लोग क्लोज़ेट यानी कबर्ड जो है छोटी सी मिनी कबर्ड ले लें, ताकि उसमें अच्छे से आप उसको ऑर्गेनाइज कर दें। यहाँ और यहाँ पे देखें मैंने कितना इजीली जो है कबर्ड को ऑर्गेनाइज कर दिया, और हर चीज़ें लाइक जो यहाँ पे मैं लटकाती जो ना सारे कपड़े, वो वाले कपड़े होते हैं जो बाहर पहनाने होते हैं मुझे परीशे को। तभी मैं निकाल रही हूँ कुछ कपड़े परीशे को, जो नहलाने के बाद मैं डिसाइड करी थी कि कौन से कपड़े पहनाऊँ। मैं हमेशा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। ऑल्सो आई गॉट सम क्वेश्चन कि मैं कौन सा ब्रांड इस्तेमाल करती हूँ शैम्पू, कंडिश्नर या बॉडी वॉश के लिए। तो मैं रिकमेंड करूँगी पीजन्स, लेकिन पीजन्स अभी आजकल आ नहीं रहा क्योंकि इम्पोर्ट बंद हुई हुई है। तो उस वजह से मैं अब यूज़ करने जा रही हूँ अवीनो। मैं उसका भी आपको जो है वो रिव्यू ज़रूर दूंगी। सूडो क्रीम मैंने अभी आपको दिखाई है, सूडो क्रीम बहुत ज़्यादा हेल्प करती है रैशेज में, और जब भी आप पैम्पर चेंज करें तो लाइक आफ्टर वन और टू पैम्पर्स आप लोग जो है सूडो क्रीम यूज़ करें। पैम्पर्स में जो है मैं रॉयल वन भी यूज़ कर रही हूँ, और उसके साथ साथ जो है मैं यूज़ कर रही हूँ पैम्पर कंपनी के पैम्पर्स, उससे रैशेज़ बिल्कुल नहीं होते। फ्लोगोसेट या फ्लोजोसेट जो आप बोलते हैं उसको, उसके लिए जो है मैं आपको रिकमेंड इसलिए करूँगी, ये क्रीम रैशेज़ के लिए बहुत अच्छी है, और जो एलर्जी हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है प्राइवेट एरिया में, उसके लिए बहुत अच्छी है। उसके अलावा जो है पैम्पर कंपनी के पैम्पर्स जो हैं वो बहुत जल्दी जो है वेट नहीं करते बच्चे को, और कोशिश करें जो पैम्पर्स, अगर आप पैम्पर कंपनी के अलावा कोई यूज़ करें डायपर्स, तो आप उसको 1.5 to 2 hours में चेंज कर दें, क्योंकि जब जितनी ज़्यादा जल्दी जो है बच्चे का प्राइवेट एरिया वेट रहेगा तो फंगल इन्फेक्शन रैशेज़ होने के ख़तरे ज़्यादा होते हैं। सो उसको ड्राई रखें, सूडो क्रीम यूज़ करें, और अगर अल्लाह ना करे फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया तो फ्लोगोसेट क्रीम यूज़ कर लें। उसके अलावा जो मैंने आपको दिखाया कि मैं बाथिंग के अंदर फिंगर ब्रश, क्योंकि परीशे के माशाल्लाह से थोड़े बहुत दांत निकल आए हैं, तो मैं फिंगर ब्रश भी यूज़ कर रही हूँ, और उसके साथ साथ मैंने बनाना भी लिया हुआ है और मैं बनाना भी यूज़ कर रही हूँ। ये बनाना जो है बेसिकली सेंसरी जो है उसके लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि बच्चे को माउथिंग होती है, बच्चे के जब दांत निकलते हैं तो उसे हर चीज़ मुंह में लेने की आदत होती है, तो ये बनाना जो हेल्प करता है उसकी सेंसरी नीड के लिए भी, और उसके साथ साथ बच्चे को एक ब्रशिंग टेक्निक जो है उससे मैं सिखा सकती हूँ। इसके अलावा टीथिंग जब स्टार्ट होती है तो बायो 21 जो है होम्योपैथिक दवाई है वो ज़रूर देना चाहिए ट्वाइस अ डे, तो मैं वो देती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इफ़ यू डू प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।